पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जहां मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर काम किया जा रहा है, तो वहीं अवैध निर्माण को लेकर भी सख्ती दिखाई जा रही है। लगातार जनमानस से अपील भी की जा रही है कि भवन निर्माण कराने से पहले मानचित्र की स्वीकृति अवश्य करा लें, लेकिन कुछ लोगों द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है, जिनके खिलाफ प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है। मंगलवार को थाना कटघर क्षेत्र के गांव रामपुर में लगभग 13 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, तो वहीं बुधवार को एक बार फिर से प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की गई। प्राधिकरण कार्यालय पर मौजूद रहे प्राधिकरण के सचिव राजीव पांडे ने बताया कि जनमानस से लगातार अपील की जा रही है कि मुरादाबाद के सुनियोजित विकास में लोग सहयोग करें, मानचित्र स्वीकृत कराकर ही भवन निर्माण कराएं, लेकिन कुछ लोग लगातार मनमानी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। कहा गया कि हम लगातार ऐसे लोगों पर कार्यवाही कर रहे हैं जो मनमानी कर रहे हैं। जनमानस से ये अपील की जाती है कि वे प्राधिकरण के नियमों की अनदेखी बिल्कुल ना करें। प्राधिकरण मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर काम कर रहा है, इसीलिए मुरादाबाद का हर नागरिक मुरादाबाद के विकास में अपनी सहभागिता को जरूर प्रदर्शित करे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद के विकास के लिए सर्वोन्मुखी विकास योजना के तहत चल रहा है। सारी योजनाओं को अनुपालन कराया जा रहा है। शासन की मंशा है कि जो अवैध कॉलोनियां या अवैध निर्माण हो गए हैं उनको विसंगत किया जाए, उसी के तहत ये सारी कार्रवाइयां की जा रही हैं। और इसके साथ प्रवर्तन, नियोजन और सौंदर्यीकरण तीनों कार्य प्राधिकरण कर रहा है। जो अवैध कॉलोनियां हैं, जो नक्शा पास नहीं कराए हैं और जिन्होंने अवैध रूप से बना लिया है, उनको विस्थापित करते हुए और प्रवर्तन की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अपील प्राधिकरण की तरफ से मैं करता हूं कि वो नियम तय नक्शा पास कराएं, नियम संगत लेआउट बना करके उस मुरादाबाद विकास प्राधिकरण करके सौंदर्यीकरण और विकास की योजना में लाभ दें और अपने जो कार्य कर रहे हैं वो नियत रूप से सही नियमों के तहत करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।